नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहां पर कुटुंब न्यायालय के बारे में जानने वाले हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक, कुटुंब न्यायालय क्या होता है। इसमें सबसे पहले आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स कि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब बहुत सारे टाइप्स के कोर्ट हैं, और उन न्यायालयों में मुख्य एक न्यायालय कुटुंब न्यायालय भी है। और कुटुंब न्यायालय की अवधारणा के पहले सभी सिविल न्यायालय कुटुंब न्यायालय के काम किया करते थे। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स कि कुटुंब न्यायालय को फ्रेंड्स इन सिंपल वे पारिवारिक न्यायालय भी कहा जाता है। इसे पारिवारिक न्यायालय फ्रेंड्स इसलिए कहा गया है क्योंकि यह लोगों के घर परिवारों में होने वाले विवादों को निपटाने का काम करता है। फ्रेंड्स, घर परिवारों में होने वाले विवादों में मेनली जो है वो पति पत्नी के बीच होने वाले विवाद आते हैं। इन विवादों के मामलों में कुटुंब न्यायालय अधिनियम आने के पहले सिविल न्यायालय को अधिकारिता होती थी। और फ्रेंड्स, इसमें आगे जानते हैं कि 1984 में भारत सरकार द्वारा संसद में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लाया गया था, और इस अधिनियम के माध्यम से ही पारिवारिक विवाद निपटाने के लिए एक अलग से न्यायालय बना गया। और इसमें फ्रेंड, सिविल न्यायालय में प्रकरण बहुत सारे होते हैं, और इतने सारे प्रकरण होने के कारण किसी भी प्रकरण में जल्दी न्याय नहीं मिल पाता। इसीलिए फ्रेंड्स, परिवार के विवाद भी सिविल न्यायालय में सालों तक अटके रहते थे और पक्षकारों के न्याय नहीं मिल पाता था। और इसी परेशानी से निपटने के उद्देश्य से ही सरकार द्वारा कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 लाया गया। इसमें फ्रेंड्स आगे जानते हैं कि इस अधिनियम की क्या विशेषता है। इसमें मैं आपको बताऊं कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 समस्त भारत में जिला स्तर पर एक कुटुंब न्यायालय के गठन का कार्य करता है। और ऐसा कुटुंब न्यायालय भारत के सभी शहरों में नहीं, मतलब लगभग एक बड़ी आबादी वाले शहरों में इसे स्थापित किया गया है। और किसी भी बड़ी आबादी के शहर में एक कुटुंब न्यायालय की स्थापना होती है, उस शहर के लोगों के पारिवारिक विवाद को निपटाने का ये कार्य करते हैं। इसमें मैं आपको आगे बताऊं फ्रेंड्स, इस अधिनियम का मूल लक्ष्य जो है वो ये परिवार में उत्पन्न होने वाले विवादों को समझौते के माध्यम से निपटा दिया जाए और पक्षकारों को आपस में समझा दिया जाए। इसी के साथ पक्षकारों को शीघ्र से शीघ्र न्याय दे दिया जाए और उन्हें अधिक से अधिक समय तक न्यायालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े। ये सभी इसका जो है फ्रेंड्स मेनली काम होते हैं। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स कि कौन से मामले कुटुंब न्यायालय में सुनवाई योग्य होते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बताऊं कि फ्रेंड्स, तलाक से संबंधित मामले कुटुंब न्यायालय में सुनवाई के योग्य होते हैं। इसमें फ्रेंड्स आगे जानते हैं जुडिशियल सेपरेशन से संबंधित मामले। इसमें आगे आता है फ्रेंड्स दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना से संबंधित मामले। इसके में आगे आता है फ्रेंड्स भरण पोषण से संबंधित मामले। इसमें नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स बच्चों की कस्टडी से संबंधित मामले। और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पति पत्नी के बीच होने वाली संपत्ति के विवाद से संबंधित मामले। इसमें मेनली जो है उनकी हियरिंग की जाती है। इसमें आगे जानते हैं फ्रेंड्स कि कुटुंब न्यायालय का मेनली जो होता है काम होता है वो फ्रेंड्स होता है समझौता करवाने पर, इसमें जो है वो प्राथमिकता दी जाती है। कुटुंब न्यायालय की फ्रेंड्स स्थापना जो है उसका प्रमुख उद्देश्य एक समझौता करवाना भी है। जैसा कि फ्रेंड्स भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है परिवार, और संयुक्त परिवार जैसी अवधारणा भारत में सदियों पुरानी रही है। परिवार को एक पवित्र संस्था के रूप में भी फ्रेंड्स माना गया है, और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही परिवार न्यायालय की स्थापना की गई है। और फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि एक परिवार में सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी की वैचारिकता अलग अलग होती है, सबके विचार अलग अलग होते हैं, तब उन सभी के बीच किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक सा है। पति और पत्नी के बीच होने वाले विवाद भी स्वाभाविक विवाद है, और लंबे समय तक एक साथ रहते हुए दो लोगों के बीच विवाद उत्पन्न हो ही जाते हैं। और फ्रेंड्स परिवार न्यायालय का यह पहला उद्देश्य होता है कि वे पक्षकारों के मध्य समझौता करवाए और परिवारों को टूटने नहीं दे। जब भी कोई तलाक से संबंधित मामला प्रस्तुत किया जाता है तब सबसे पहले न्यायालय के द्वारा पक्षकारों में समझौता करवाने के ही प्रयास किए जाते हैं, और न्यायाधीश द्वारा यह देखा जाता है कि क्या पक्षकारों का आपस में समझौता हो सकता है, क्या गृहस्थी को पुनः वापस से बसाया जा सकता है। अगर यह पता है कि अब पक्षकारों में किसी प्रकार का समझौता होने की कोई संभावना नहीं रही है, नहीं बची है, तब न्यायाधीश आगे तलाक हेतु कार्रवाई को प्रारंभ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा समझौता सभी प्रकार के प्रकरण में करवाए जाने का प्रयास किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, जहां हमने जाना कि कुटुंब न्यायालय क्या होता है और उसका मेनली क्या काम होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे थम्स अप करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में शेयर करें, और जुड़े रहें हमारे चैनल एडवोकेट गौरव के साथ में। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।